हाय फ्रेंड, आज मैं आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है NRV। ये अधिकतर इंजन में लगता है और ये इक्विपमेंट में भी लगता है, मतलब जिसमें चाहे आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण ही रोल है। क्योंकि जब कभी भी इंजन होता है कि मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए तो स्टार्ट नहीं होता है, डीजल जो है टैंक में उतर जाता है। क्योंकि आजकल जितने भी इक्विपमेंट है या जनरेटर हैं, ये सबों में डीजल टैंक हमेशा जो है बॉटम बेस दे दिया, और बॉटम बेस होने की वजह से अगर कहीं से भी हल्का सा भी कोई ओरिंग या कुछ भी लीकेज होता है, वो तुरंत हमारा डीजल जो है वापस टैंक में चला जाता है, और मॉर्निंग में हमारी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए हमने जो है ये एक नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है NRV, इसको जनरल में नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। ये NRV जो है इसे हम डीजल टैंक और फिल्टर के बीच में लगाते हैं, और जनरल ये फिल्टर के पहले ही हम इसको लगा देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका काम केवल ये है कि जिस समय इंजन चलता है वो डीजल सक करता जाता है, तो इसमें वाल्व होता है वो सक करता जाएगा, और जिस समय हम इंजन बंद करते हैं तो ये डीजल जो हमारा है रिटर्न नहीं आने देता। तो इसके वाल्व की भी हम आपको फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। हेलो हेलो फ्रेंड, ये वाल्व हमने रखा हुआ है। इस वाल्व में एक होल होता है जहाँ पे ये वाल्व लगता है। इस NRV में वाल्व होता है जो केवल डीजल आने देता है। जिस समय हमारा इंजन बंद होता है तो वो डीजल को रिटर्न नहीं होने देता। इससे हमारी कई चीज़ें हैं कि जैसे जब भी हमारी कहीं कोई भी ओरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको जो है वहाँ पे डीजल स्टॉप कर देता है, वो रिटर्न नहीं होने देता। इसकी वजह से जो हमारी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कभी कभी इस वाल्व का जो ओरिंग होता है वो कट जाता है, और जब कट जाता है तो इंजन स्टार्ट होता है। जिस समय हम इंजन बंद करते हैं पता लगता है 10 मिनट में ही हमारा इंजन जो है रिटर्न हो जाता है, और बार बार हमें जो है डीजल फिल्टर फिलअप करना पड़ता है। तो उस फिलअप से बचने के लिए हमें ये जो टंकी और डीजल फिल्टर के बीच में इसको लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से इंजन हमारा सेफ रहता है और कभी भी हमें कोई भी स्टार्टिंग ट्रबल नहीं आती। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हम जो भी नया भी वीडियो हम बनाएं वो आपको आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।